अच्छा सर, इसके इंजन की बात करी जाए, इंजन कंडीशन अभी कैसी कंडीशन में? 100% इंजन है। एसी वगैरह वर्किंग में सर? बिल्कुल, एसी चिल्ड, एसी जो बैटरी वगैरह सब चीज़ सही, हर चीज़ वर्किंग ऑर्डर में, कोई काम नहीं है। सही। अच्छा सर, अपना नाम बता दीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा। मेरा नाम है शहजाद, 0333130484 नंबर है मेरा। सही। और सर, अगर ये लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगी? लोकेशन मैं रहता हूँ मीमार मोड़ पे, रेनबो सीट होम है, वहाँ रहता हूँ मैं। सही। बाकी सर, अगर कोई हमारे व्यूअर्स आता है, कोई मस्जिद कमी पेशी होगी इसमें, देख लेंगे, वो जब आएगा तो देख लेंगे। बाकी आएगा आप विजिट करिएगा, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया। जी सर, तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिएगा, आइए आप विजिट करें गाड़ी, अगर आपको समझ आएगा। बाकी बाइक जाने के लिए अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग लेके। आज आप एक दफ़ा फिर से हाजिर है संडे कार मार्केट में, जो कि आपके लिए स्पेशल वीडियो लाए हैं होंडा सिविक पे। बेसिकली आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे होंडा सिविक टोटल A to Z, जिस तरह की हमें गाड़ी जिस अच्छी कंडीशन में भी और लो कंडीशन में भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजिली जिस तरह की आपकी रेंज हो वो आप ले सकें। तो बाकी बढ़ते मैं आपको गाड़ी की जानकारी लेके चलूँगा। मैं अगर आपको लोकेशन गाइड करता चलूँ तो नॉर्थ कराची यूपी मोड़ का सेकंड टर्न लेके जो जियो मार्केट है, जियो मार्केट के रोड जो जियो मोबाइल मार्केट से जैसे आप आएंगे राइट हैंड पे आपको ये मार्केट देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर गाड़ियों के बारे में बताऊँ तो आपको A to Z हर तरह की गाड़ी मिलने वाली है, जिस तरह की आप चाहते हैं, जिस तरह की आपकी रेंज है। इसमें आपको बुलान भी देखने को मिलती है इस मार्केट में, सुजुकी आयरो वगैरह A to Z हर तरह की गाड़ियाँ देखने को मिलती है। बाकी बढ़ते आपको गाड़ियों की जानिब लेके चलता हूँ। उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। चलते हैं गाड़ियों की जानिब, आपको गाड़ियों की डिटेल बताता हूँ मैं आपको। अगर समय मिल चुकी है पहली गाड़ी जो कि होंडा सिविक, वो 2004 मॉडल है, काफ़ी साफ़ अच्छी कंडीशन में, आप कंडीशन आप देख सकते हैं। तो कैमरामैन कंडीशन दिखाएं तो कंडीशन आप देख लीजिएगा, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी अंकल ने रखी हुई है। बाकी ओनर से जानेंगे इनके पास क्या क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या डिटेल है, क्या गाड़ी में क्या काम कराया हुआ है और किस कंडीशन में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये मॉडल है 2004, गाड़ी की पूरी डिटेल बताइए। हाँ, मॉडल 2004 है, रजिस्टर्ड 2005 की है, EXI है, ऑटो है और इंजन इसका चेंज है, हमारे नाम पे है गाड़ी। छत और डिग्गी इसकी ओरिजिनल है, बाकी नीचे पूरी पेंट कराई हुई मैंने। सही। और फिलहाल गाड़ी में कोई काम नहीं है। फिलहाल कोई काम कोई नहीं कुछ सर, कभी आप बोल रहे हैं इसका इंजन चेंज कराया तो फिर फ्यूल एवरेज वगैरह इशू? फ्यूल एवरेज फर्स्ट क्लास है, 10-11 किलोमीटर कर रही है। टायर 90% है, सस्पेंशन 100% है, इंजन 100 है और बैटरी भी सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, AC चिल्ड है, कोई काम नहीं है इसमें। सही। अगर सर, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, इंटीरियर भी फर्स्ट क्लास, देख लें आप इंटीरियर, देखें चेक करें इंटीरियर, आप चेक करें सर। कितने किलोमीटर चल चुकी होगी अंदाजा कोई? ये इंजन डलने के बाद अब तक 21,000 चली है, एक इंजन डलने के बाद। हाँ, उसके बाद जीरो हो गया था आपने? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो चुके हैं, 1.5-2 साल में आपने इंजन चलाई है। अच्छा सर, मुझे कंडीशन अब पेंट वगैरह आपने बता दिया। अच्छा, आप डिमांड क्या कर रहे हैं? 12.5 डिमांड है। क्या कितने में छोड़ ये 12 में देनी है? कराची नंबर है? कराची नंबर फर्स्ट मेरे बेटे के नाम है। नहीं, ओनर 3-4 हैं अभी फिलहाल, मेरे बेटे के नाम है। सही, अभी फिलहाल आपके बेटे के नाम है। अच्छा सर, मुझे इंजन की कंडीशन दिखा दीजिएगा खोल के। अच्छा सर, इसके इंजन की बात करी जाए, इंजन कंडीशन अभी कैसी कंडीशन में? 100% इंजन है। एसी वगैरह वर्किंग में सर? बिल्कुल, एसी चिल्ड, एसी जो बैटरी वगैरह सब चीज़ सही, हर चीज़ वर्किंग ऑर्डर में, कोई काम नहीं है। सही। अच्छा सर, अपना नाम बता दीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा। मेरा नाम है शहजाद, 0333130484 नंबर है मेरा। सही। और सर, अगर ये लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगी? लोकेशन मैं रहता हूँ मीमार मोड़ पे, रेनबो सीट होम है, वहाँ रहता हूँ मैं। सही। बाकी सर, अगर कोई हमारे व्यूअर्स आता है, कोई मस्जिद कमी पेशी होगी इसमें, देख लेंगे, वो जब आएगा तो देख लेंगे। बाकी आएगा आप विजिट करिएगा, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया। जी सर, तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिएगा, आइए आप विजिट करें गाड़ी, अगर आपको समझ आए तो ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी बाइक की जानिब लेके चलते हैं। सो व्यूअर्स, हमें मिल चुकी है होंडा सिविक 95 मॉडल डॉल्फिन, जो कि काफ़ी प्यारी, लुक वाइज भी काफ़ी प्यारी गाड़ी है, आप देख सकते हो ओवरऑल कंडीशन। बाकी ओनर से मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? अलहमदुलिल्लाह, बताएं सर, अपनी गाड़ी के बारे में डिटेल बताइएगा। सर, 1995 होंडा सिविक है। सही। ऑक्शन नंबर है। सही। और काफ़ी तेज़ है, मतलब रेस वगैरह भी लगी है इससे होंडा सिविक के साथ, अच्छे अच्छे स्टंपे कराए हैं इसने, तो काफ़ी तेज़ है माशाल्लाह से।
यानी कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हैं इस गाड़ी को लेके? ऐसा ही। अच्छा सर, मुझे इसकी कलर की कंडीशन बताइएगा, कलर कंडीशन कैसी है? सर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हैं क्योंकि रोड पर खड़ी होती है, बाकी तो आपके सामने ही है, काफ़ी साफ है गाड़ी अलहमदुल्ला। और मेरे स्क्रैचेस हैं क्योंकि रोड पर खड़ी। अच्छा सर, इसका मुझे पेंट कलर गाइड करिएगा, तो आप नेवी ब्लू सा पेंट आ रहा है तो आप इसका गाइड करिएगा। पेंट ब्लू कलाया जाता है ये। सही। अच्छा सर, इसकी टायर की कंडीशन की बात करिए। टायर इसमें डलने वाले हैं क्योंकि यूज हुए हैं काफ़ी। सही। और अलॉय रिम वगैरह? अलॉय रिम तो इसमें। अच्छा सर, इसमें कितने सीसी का इंजन है? 16 सीसी। इसका जेनवन है? जी इसका जेनवन। कभी काम करा आपने? नहीं नहीं, काम नहीं कराया। काम नहीं कराया, सील पैक है? सील पैक इंजन। सही। अच्छा सर, आप मुझे डिमांड बताएं तो बैक से भी कवर कर लेते हैं इसको। डिमांड इसकी 6 लाख है यार, जो करेगा मतलब आएंगे आपके थ्रू, कमी पेशी हो जाएगी। कमी पेशी मजीद यानी कि हो जाएगी। जी सही। अच्छा सर, कराची नंबर है? जी कराची नंबर, सिंध। सिंध नंबर है कराची। अच्छा, तो यानी कि पीछे से भी आपको इस तरह से कंडीशन में देखने को मिल रही है। अच्छा सर, और मजीद कोई डिटेल इस गाड़ी में? नहीं, सिर्फ इसका जो है टैक्स का मसला है। टैक्स इसका 18 तक है मेरे ख्याल से, 18-17 तक। सही। तो वो जो रहेगा बाकी वो पे करेगा। सही। जेनवन इंजन है? हाँ जेनवन इंजन है। सही। अच्छा सर, अगर इसकी एवरेज की बात करिए, एवरेज कितना जाती है? एवरेज यार तकरीबन ये 8-9 जाती है। 8-9 जाती है? 8-9 जाती है। 1600 सीसी के हिसाब से यानी कि सही है? सही है। अगर आप इसको हैवी चलाएंगे तो लाइट्स बात में तो बाकी पैर पे डिपेंड करता है किस तरह से आप चलाते हैं। बिल्कुल सही। बाकी सर एक दफ़ा इंजन खोल के दिखा दें, बाकी आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे फिर। सही है। ये अंदर से भी आप दे सकते हैं, अंदर से कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो सर अब अपन इस पे इंजन पे आ गए, तो इंजन की कंडीशन मुझे बताएं किस तरह का इंजन? इंजन आपके सामने है, इसका ओरिजिनल इंजन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ, हर चीज़ की ओरिजिनल ही है। कुछ नहीं नहीं, कुछ खराब नहीं, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, जैसे पहले आई है। जी जी, ऐसे एसी वगैरह वर्किंग में? इसमें सब चीज़ वर्किंग में। ऑटो है? मैनुअल है? मैनुअल है। मैनुअल है। अब मुझे डिमांड, फाइनल डिमांड बता दीजिएगा सर। डिमांड इसके 6 लाख है। 6 लाख फाइनल। जी। अच्छा, तो ऐसी कहीं पेशी हो जाएगी जब आप आएंगे तो। सही। अच्छा सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और लोकेशन बताइएगा कहाँ देखने को मिलेगी गाड़ी। ये डिग रोड में मिलेगी आपको। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है 03091024642। सही। और अपना नाम सर? हमजा। हमजा नाम है। ओके हमजा भाई। अभी वर्ष हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है, होंडा सिविक रिबर्थ, जो कि काफ़ी मशहूर और काफ़ी प्यारी गाड़ी है। और अगर मैं आपको मॉडल इसका बताऊं तो 2013 है। बाकी हमारे साथ मौजूद है इनके ओनर, ओनर भाई से जानेंगे इनके क्या डिटेल है, क्या प्राइस मांग रहे हैं और किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की अगर कोई आता है तो क्या डिमांड में दे देते हैं। बाकी बढ़ते हैं ओनर की जानिब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक। सर अपना नाम बताइएगा। अब्दुल राफ़ी। सर अपनी गाड़ी की डिटेल बताइए, कौन सी गाड़ी, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं आप, किस तरह की है? होंडा सिविक रिबर्थ है, 2013 मॉडल। 2013 मॉडल। अच्छा सर, मुझे इसके कंडीशन वाइज बताइएगा, जेनवन है या पेंट हुई हुई है, क्या है? जेनवन है। जेनवन है। कितने सीसी की गाड़ी है सर? 1800 सीसी। अच्छा सर, आप मुझे टायरों की कंडीशन बताइएगा, टायरों की कंडीशन किस तरह की है? नॉर्मल कंडीशन है अभी तो फिलहाल। कितने परसेंट आप ओके बोल सकते हैं? 80% बोल सकते हैं? नहीं, 75 बोल सकते हैं। सही। अच्छा सर, इसके अलॉय रिम जो जेनवन लगे आते हैं वही है कंपनी वाइज? जी जी, ओरिजिनल। सर इसके इंटीरियर की बात करिए, इंटीरियर कैसा है? इंटीरियर की बात करिए सर। इंटीरियर इसका 10x10 है, आप देख लें। अच्छा सर, कितने किलोमीटर चल चुकी होगी ये गाड़ी? ये 1 लाख चली हुई है। 1 लाख चल चुकी है जी। सही। बाकी सर अगर इसकी मैं डिमांड की बात करूँ, डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 2450। अच्छा सर, इसमें ये ऑटो है मैनुअल है? ऑटो है। ऑटो है। सही। बाकी एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग में होगा? जी जी। पेट्रोल पे, डीजल पे? पेट्रोल पे। पेट्रोल पे। अच्छा, तो डिमांड क्या बताइए आपने? 24। फाइनल क्या हो जाएंगे सर? फाइनल 23 हो जाएंगे जी। अच्छा सर, एक दफ़ा कंडीशन, इंजन की कंडीशन दिखा देते हैं, फिर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे। सही सर। अच्छा सर, ये अच्छा सर, अगर इसके इंजन रूम की बात करिए, इंजन रूम बताइएगा? इसका इंजन ओरिजिनल है। बैटरी वगैरह सब कुछ ओके होगी? सब कुछ ओरिजिनल। बाकी सर, अच्छा मुझे आपको दिखा दी है इंजन की कंडीशन इस तरह की। सर मुझे लोकेशन बताइएगा कहाँ देखने को मिल रही है गाड़ी? सेक्टर 5F। सही। और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा सर? 03122577788। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अपना नाम बता दीजिएगा एक दफ़ा। अब्दुल राफ़ी। ओके सर। तो व्यूअर्स, एक और गाड़ी हमें मिल चुकी है, होंडा सिविक 85 मॉडल, जो कि काफ़ी जेन्युइन कंडीशन में, बिल्कुल
10x10 जेन्युइन है गाड़ी भाई, बोलने कोई भी काम नहीं हुआ इसमें, ना कोई टचअप करा गया है। आपको ओवर कंडीशन आप देख ही सकते हैं जिस तरह की कंडीशन की गाड़ी है। बाकी ओनर से आपको डिटेल वगैरह बताएंगे पीछे से। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो इस कंडीशन में कुछ हालत है इस गाड़ी की, माशाल्लाह से जेन्युइन कंडीशन है, थोड़ा बहुत कलर का काम है। बाकी ये देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का बॉडी में हल्का फुल्का डैमेज है जिस तरह से, अब आपको समझ आए। बाकी अगर मैं आपको इसको आगे से दिखाऊं तो फिर बाकी जो डिटेल है ओनर से जानेंगे। इसके आगे से आपको डिटेल भी बता देते हैं, आगे से कुछ इस कंडीशन में गाड़ी है जो कि लुक वाइज काफ़ी बेहतर गाड़ी है। या अगर आप, मैं आपको अंदर से दिखाता चलूँ तो अंदर से भी आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कुछ इस तरह की कंडीशन की गाड़ी है। बाकी ओनर से चलेंगे, मज़ीद आपको डिटेल वगैरह बताएंगे। ये आप साइड वगैरह भी देख सकते हैं, साइडें भी देख लें, ये ओवर कंडीशन। सो बाकी आपको ओनर से डिटेल वगैरह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ये अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल बताइएगा हमें। ये होंडा सिविक है 85 मॉडल, गाड़ी पूरी ओरिजिनल पेंट के ऊपर है और काम कोई नहीं गाड़ी में, इंजन वगैरह सब अपना ओरिजिनल है, टायर नए डले हुए, सस्पेंशन वगैरह, हीटर, एसी वगैरह सब चीज़ ऑन है गाड़ी की, सब कुछ ओके। एसी भी ऑन है सर? जी जी, एसी में थोड़ा सा काम है लेकिन एसी ऑन करा दूंगा गाड़ी। सही, गैस वगैरह आई थी, गैस, इशू होगा, गैस चार्ज सही, अगर आप बोलेंगे तो वो भी ऑन करा के दे देंगे। अच्छा सर, हीटर काम कर रहा है, सब चीज़ सही, सारी ओके है। सही, अच्छा सर, स्पीकर वगैरह भी चल रहा है, सब चीज़ स्पीकर वगैरह सब ऑन है। सही, अच्छा सर, अगर इंजन की जानी पड़े तो इंजन की कंडीशन भी मुझे बिल्कुल ओके कंडीशन। सर कितने सीसी का इंजन आता है इसमें? 1200 सीसी। एवरेज वाइज कैसी है गाड़ी है? ये शहर में चल रही है 12 और लॉन्ग रोड पे जा रही है 16। सर इंजन की जानी पड़ते हैं अपन। सो सर, अब हम आ चुके हैं इंजन की जानिब, तो इंजन की डिटेल आपने क्या बोला, इंजन एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग में इसका? जी, इंजन अपना ओरिजिनल है गाड़ी का, 1200 इंजन। जी 1200, बैटरी वगैरह ठीक है, नहीं लगी हुई है। सही, ब्रेक सस्पेंशन इंजन वगैरह किसी चीज़ का काम नहीं गाड़ी चलने में, किसी में भी काम नहीं है, यानी कि सिर्फ पेंट का काम है, बाकी ओके गाड़ी है। गाड़ी का पेंट है, गाड़ी ओरिजिनल पेंट के ऊपर है, कलर करना चाहे तो नया कलर होगा। बाकी आपने इसलिए पेंट नहीं कराई ना भाई, जेन्युइन चीज चाहिए। सही, गाड़ी कौन कलर करा? सही, अच्छा सर आप मुझे डिमांड बताइएगा, डिमांड क्या? डिमांड 280 है। जी, और बाकी सब चीज़ क्लियर है, CPLC नंबर प्लेट फाइल लिए, हर चीज़ क्लियर, टैक्स वगैरह सब कुछ पेड है सर, सब चीज़ क्लियर है। सही, फाइनल डिमांड क्या हो जाएगी सर? फाइनल 260 है, उसको छोड़ने वाले हैं, 260 में छोड़ देंगे। जी सही सर, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिएगा और ये बताइएगा गाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? गाड़ी गुलस्ताने जोर में, ब्लॉक 7। सही, अच्छा सर अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करिएगा। 0319 सही 687-3848 सही, और कहाँ देखने को मिलेगी गाड़ी? गुलस्ताने जोर, ब्लॉक 7। सब पूरा नाम बता दीजिएगा सर? शुएब नाम है, शुएब सिद्दीकी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है, होंडा सिविक, जो कि 97 का मॉडल है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा पेंट है। ओवरऑल आप कंडीशन आप देख लें एक दफ़ा, फिर आपको मैं डिटेल वगैरह बताऊंगा। ऑनर्स के जाने हम बढ़ेंगे, आप देख लें वो लाइट्स वगैरह सब कुछ ओके है गाड़ी की। और साइडों की अगर मैं बात करूँ तो साइडें भी आप देख सकते हैं ओवरऑल कंडीशन। ये अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये टायरों की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बैक साइड पे दिखाऊं तो बैक साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन है बैक साइड एरिया की। और बाकी उस साइड की, राइट हैंड साइड की भी मैं कंडीशन आपको दिखाता चलता हूं, तो ये देख सकते हैं आप। बाकी अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो अंदर से भी आप देख सकते हैं। ये अंदर हम आ चुके हैं, बाकी ये ऑटो पावर विंडोज़ मैनुअल गाड़ी है। बाकी ओवरऑल कंडीशन आप हैंडल वगैरह किलोमीटर देख सकते हैं आप। बाकी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत अंदर से, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी रखी हुई है भाई ने। बाकी ओनर की जानी पड़ते हैं, आपको डिटेल बताते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की कंडीशन है, जेन्युइन कलर है या पेंट हुई हुई है, किस तरह से। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? दुआ की। सर ये कौन सी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी की डिटेल दिएगा? ये होंडा सिविक VTi है, 97 मॉडल। 97 मॉडल जी। अच्छा सर, ये आप मुझे कंडीशन वाइज बताइए, कलर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो इसका अभी जेन्युइन ठहरा हुआ है या नहीं? बाहर से शावर हुआ हुआ है, बाहर शावर हुआ है, अंदर से जेन्युइन है। अंदर से टोटल जेन्युइन है? जी हाँ, अंदर से टोटल जेन्युइन। अच्छा सर, अगर मैं इसके टायरों की कंडीशन की बात करूँ तो टायरों की कंडीशन बताइएगा? टायर की कंडीशन मतलब अच्छी है, मतलब चल जाएंगे कुछ? जी हाँ चलेंगे, अभी तो चलेंगे। सही। बाकी सर, अच्छा मैं इसके पेट्रोल एवरेज वगैरह की बात करूँ यार, यानी 1600 सीसी गाड़ी है, 1600 सीसी उसके हिसाब से पेट्रोल एवरेज तो इसकी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इंजन हमने इसका
चेंज किसी मॉडल का चेंज करके वो बुक पे चढ़ाया हुआ है। सही सही। लेकिन अच्छा सर, मुझे आप इसकी कंडीशन अंदर से बताएंगे, अंदर कैसी है, एसी वगैरह सब कुछ? एसी ऑन है सब। सही। दोनों साइड मिरर की एडजस्टमेंट जो है वो भी ऑटोमेटिक है। सही। विंडोज इसके पावर है। पावर विंडोज। सही। मैनुअल गाड़ी है सर? जी हाँ, मैनुअल। मैनुअल है। स्टीयरिंग वगैरह पावर है। सही। पेट्रोल पे गाड़ी है? पेट्रोल पे है। सीएनजी नहीं। फर्स्ट ओनर है सर? नहीं, फर्स्ट ऑनर नहीं है, थर्ड ऑनर है। टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे है? टैक्सेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। जी हाँ। और सर अगर मैं इसकी नंबर की बात करूँ, कराची नंबर है? जी हाँ, कराची का नंबर। कराची नंबर है। सही। सर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और डिमांड बताइएगा, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हमने इसकी डिमांड की है 580। 580। जी हाँ। अच्छा सर, फाइनल क्या हो जाएंगे ये 580? फाइनल ही बताया। फाइनल ही बताया सर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और ये बताइएगा गाड़ी कहाँ देखने को मिल रही है। 0331। सही। 228-7021। सही। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, गाड़ी महमूदाबाद के एरिए में मिलेगी। सही। बाकी एक दफ़ा आपको इंजन भी दिखा देते हैं, इंजन रूम की कंडीशन भी दिखा देते हैं। जी। बाकी अगर मैं आपको इंजन की कंडीशन की बात करूँ तो इस तरह की कुछ इंजन की कंडीशन है जो कि काफ़ी बेहतर हालत में है, और ओवरऑल कंडीशन, बैटरी वगैरह ये आप देख लें। बाकी अगर आपको गाड़ी समझ आए तो आप इनसे भी ज़रूर रब्ता करिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी देख बढ़ते हैं, आपको दूसरी गाड़ियों की जानिब लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक के गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं वहाँ तक के आपको ये गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। बाकी बढ़ते हैं दूसरी गाड़ियों की जानिब लेके चलते हैं आपको। तो इस वर्ष हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है, होंडा सिविक रिबॉन, जो कि काफ़ी खूबसूरत और प्यारी गाड़ी है ये भी। और मैं अगर आपको मैं मॉडल बताता चलूँ तो 2007 और 1800 cc की गाड़ी है, जो कि ओवरऑल आप कंडीशन साइटों से देख सकते हैं। बाकी ऑनर से मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगा कि ना भाई कौन सी क्या कंडीशन है, किस टचअप वगैरह क्या है क्या नहीं है, जो भी होगा प्रॉपर आपको डिटेल आपको बताएंगे। माशाल्लाह से पीछे से भी आप देख सकते हैं ओवरऑल कंडीशन गाड़ी आप चमकती हुई आपको दिख रही है। बाकी अगर मैं आपको इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर भी दिखाते चलते हैं। इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर पे आ गए तो आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत और अच्छी कंडीशन में, और LCD वगैरह सब कुछ वर्किंग में। बाकी आपको बताएंगे कितने किलोमीटर चल चुकी है सनरूफ के साथ ये गाड़ी। बाकी अंदर से आप देख लीजिए, आपने देख लिया ऑटो गाड़ी है, पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग। बाकी चलते हैं ऑनर की जानिब, आपको डिटेल बताते हैं ऑनर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अजहर। सर अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल दिएगा। ये 2007 है, होंडा सिविक रिबॉन, 84,000 ओरिजिनल है। सही। और कलर आपके सामने UG है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, काफी माशाल्लाह खूबसूरत चमकती है गाड़ी दिख रही है, तो ये नीचे से मैंने बम्पर करवाए थे, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल। बाकी वो जंप वगैरह की वजह से टचअप हो जाता है, तो कराची है, सिंध में चलती है गाड़ी। अच्छा सर, मुझे कंडीशन वाइज बताएं अंदर से कैसी कंडीशन? 100% है गाड़ी, इंजन में सस्पेंशन, जी जी हर चीज माशाल्लाह, टैक्सेस वगैरह सब कुछ पेड है, हर चीज पेड है माशाल्लाह। फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ही बुक है इसकी, फर्स्ट ही ओनर गाड़ी। सर जैसे आपको भी पता है पेट्रोल एवरेज आजकल हर कोई बोलते हैं पेट्रोल एवरेज अच्छी है गाड़ी, तो एवरेज वाइज कैसे? एवरेज ये 8-9 देती है, पर जब लग्जरी गाड़ी पे आते हैं तो एवरेज बंदा नहीं देखता। लग्जरी गाड़ी के ऊपर जब आता है तो एवरेज क्या देखेगा भाई। अच्छा सर, आप मुझे टायरों की कंडीशन भी बताते चलेगा? ओके बिल्कुल, 100% टायर है, कोई किसी एक पंचर नहीं किसी टायर में भी। अच्छा सर, जैसे कंपनी वाइज फिटिंग इसके अलारी माता है, जेनवन है, वही है सब कुछ। अच्छा सर, मुझे अभी इसकी डिमांड बताएं। डिमांड 21 लाख रुपए में कर रहा हूँ। फाइनल क्या करना? जो ऑफर होगी वो फिर मैं देखूंगा। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल बस ये है कि 20 तक में मैंने दे दी, 20 तक के दे देंगे। अच्छा सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा और ये बताइएगा कहाँ देखने को मिलेगी गाड़ी। ये नाजमाबाद नंबर 1 पे, नाजमाबाद नंबर 1। जी जी। और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे सर? 0321-2529-752। और नाम क्या बताया था? मोहम्मद अजहर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है, होंडा सिविक 2000 मॉडल, ऑटोमेटिक है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बनाई हुई गाड़ी है, देख लें आप। और कंडीशन आप देख, मैं आपको दिखा दूं, बाकी ऑनर की जानिब आपको लेके चलेंगे। अच्छा, मैं अगर आपको मैं साइटें दिखाता चलूं तो देख लें, अलॉय रिम लगे हुए और टायरों की कंडीशन भी काफ़ी हद तक अच्छी है। बाकी अंदर से भी मैं आपको दिखाता चलूं तो अंदर की कंडीशन आप देख लें, अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, जो कि ये डोर की कंडीशन देख लें, पिलर वगैरह सब कुछ ओके है, वर्किंग और पार्किंग ऑटोमेटिक, और ये देख सकते हैं स्टेयरिंग वगैरह LCD भी लगी हुई है। और बैक साइड पे देख लें,
बाकी मैं आपको पीछे दिखाता चलूँ तो पीछे की साइड भी आप देख लें, ये आई थिंक स्टेपनी लगी हुई है। बाकी ये आप देख सकते हैं बैक साइड का एरिया, और ये साइड्स में आपको दिखाता चलूँ तो ये साइड पे आ गए जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी हालत में गाड़ी। बाकी बढ़ते हैं जहाँ ऑनर की जानिब आपको लेके चलते हैं, ऑनर से जानेंगे कौन सा मॉडल है, क्या डिटेल है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है सर, अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल दिएगा। 2000 मॉडल है, ऑटोमेटिक है ये जी, सही है, कागज़ से क्लियर है। सही, तो सर इंजन की कंडीशन मुझे बताइएगा। इंजन अच्छा है, अंदर से जेनियन है, बाहर से शावर है गाड़ी। बाहर से शावर है, अच्छा सर। कलर वगैरह कितने सीसी का इंजन है इसमें? 1300 जिनवन इंजन है। हाँ सही। अच्छा सर मुझे और टायरों की कंडीशन मुझे बताया। टायरों की कंडीशन? टायर अच्छे, काफ़ी हद तक के अच्छे भी होंगे, 80% ओके हैं। हाँ सही। अच्छा सर ये बम्पर वगैरह कुछ टचअप वगैरह? हाँ बम्पर है टचअप। सही। अच्छा सर ये एवरेज क्या दे जाती होगी? ये 1516 का एवरेज है। 1516 दे जाती है। हाँ सही। अच्छा सर इसके इंटीरियर की बात करिए, एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग में? एसी वगैरह वर्किंग में। सर डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 690। फाइनल क्या हो जाएंगे? आएंगे तो कर लूँगा। कर लेंगे सही। बाकी आप गाड़ी से मुतमईन है? गाड़ी ओके? गाड़ी ओके। ओके अच्छा सर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा और लोकेशन बताइएगा कहाँ देखने को मिलेगी, ताकि अगर कोई व्यूअर्स आता है तो आपसे रब्ता कर ले। न्यू कराची यूपी पे। न्यू कराची यूपी, यूपी मोड़ पर देखने को मिल रही है। मोबाइल नंबर है 0312-87-24014। सही। अच्छा सर एक दफ़ा बोनट किसका खोल के दिखा दीजिएगा, ताकि बोनट भी चेक कर लें अंदर से कैसी कंडीशन है। तो व्यूअर से अब आ चुके हैं इंजन की जानिब, आपको मैं दिखाता चलूँ तो इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक के अच्छी है, मट्टी में हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी अगर आपको गाड़ी समझ आए तो ज़रूर विज़िट करिएगा। सो व्यूअर्स आज का अपना व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, भरपूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट व्लॉग आपको किस गाड़ियों पे चाहिए। बाकी आपको और नेक्स्ट व्लॉग आपको दूसरी टोयोटा क्रोला पे भी आपको बहुत जल्द व्लॉग देने वाले हैं। आज का टॉपिक जो था हमारा होंडा सिविक पे था, जो कि हमने काफ़ी सारी 7-8 गाड़ियाँ कवर करने की कोशिश करी है हमारे लिए बिल्कुल। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा अगर चैनल पर नया, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं आपको आप मेरा चैनल जाके विज़िट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ होल सेल के हवाले से, और काफ़ी मज़ीद बहुत सी वीडियो है आप जाके विज़िट करें। आपको अगर कोई चीज़ समझ आती है तो आप जाके विज़िट करें, आपको ज़रूर